हम बात कर रहे हैं कैनरा बैंक की। आज के दिन की बात करें तो 2% के ऊपर की गिरावट के साथ स्टॉक 99.46 रुपीज़ पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। बाउंस बैक किया था स्टॉक ने, उस वक्त हमने इस हाई को यानी 106 के लेवल को तगड़े रेजिस्टेंस के तौर पर डिस्कस किए थे। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो आप साइड में अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है, ऐसा हम डिस्कस कर चुके थे। देख सकते हैं चार्ट पैटर्न पर उसी लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया और लगातार सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। इससे पहले जहां सपोर्ट लेकर 106 तक का जम आया था, इस वक्त उसी सपोर्ट लेवल पर नज़र आ रहा है। हम डिस्कस किए थे 9800 का लेवल नीचे की ओर मेजर सपोर्ट रहेगा और उसी सपोर्ट पर हमको कैनरा बैंक इस वक्त नज़र आ रहा है। लेकिन सेलिंग प्रेशर बन रहा है स्टॉक पर, तो ब्रेकडाउन भी कर सकता है। इसके अब चांस बन रहे 98 के लेवल के ब्रेकडाउन के। अगर 98 का लेवल ब्रेकडाउन कर जाता है तो नीचे की ओर फिर जो तगड़ा सपोर्ट रहेगा, इस लो को देख पा रहे होगे आप, 92 का लेवल, 92-90 इसका फिर नीचे की ओर मेजर सपोर्ट रहेगा। यहाँ तक की गिरावट स्टॉक दिखा सकता है। अगर आज की क्लोजिंग रिकवरी के साथ 100 के ऊपर दे जाता है स्टॉक, 100 के ऊपर अगर आज की क्लोजिंग आती है तो फिर आगे यहाँ से रिकवरी दिखा सकता है। फिर आने वाले ट्रेडिंग डे में 102 और 104 तक का भी जंप स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन जब तक अपने रिसेंट हाई को यानी 106 के लेवल को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर नहीं निकलता, तब तक इसमें अपसाइड में बड़ी रिकवरी, बड़ा जंप और बड़ी तेज़ी नज़र आना मुश्किल है। तो और अपसाइड के लिए इस हाई का यानी 106 के लेवल का ब्रेकआउट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।